प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले हफ्ते अपन लोगों ने 10 आज्ञा का अध्ययन स्टार्ट किया था। 10 आज्ञा शब्द ऐसा है जो बचपन से हम सुनते आए हैं। दो तीन शब्द हैं जो मसीही जगत में बहुत कॉमन है। 10 आज्ञा, प्रभु की प्रार्थना, पहाड़ी उपदेश, उड़ाऊ पुत्र, ये सब ऐसे शब्द हैं जो मसीही जगत में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। इसलिए इनका उपयोग बहुत अधिक होता है क्योंकि ये सब बातें अपने आप में बहुत सारे आत्मिक तथ्य या हमारे लिए आत्मिक बातें छुपाए हुए हैं। 10 आज्ञाओं को हमने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में हमने स्टार्ट किया था और पिछले हफ्ते मैंने एक अनुरोध किया था, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की कि सब जगह बंद होने के बावजूद आज हम जूम के द्वारा एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। मैं यात्रा करके आप लोगों के इलाके में इन दिनों आ नहीं पा रहा, लेकिन 2500 किलोमीटर दूर बैठकर भी मैं प्रभु का संदेश आपके पास पहुंचा पा रहा हूं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हो सका। टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी मन में बड़ा दर्द होता है कि टेक्नोलॉजी ने हमसे बहुत कुछ छीन भी लिया है। पिछले हफ्ते भी ये बात मैंने बताई थी कि जूम के सामने बैठते हैं, संदेश सुनते हैं, मोबाइल यदि आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं तो किसी को कोई पता नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका भी पता नहीं चलता कि आप मोबाइल के सामने हैं या नहीं। और कई भाई लोग इतने दयालु हैं, उनको लगता है कि प्रीचर जो प्रचारक है उनको ऐसा ना लगे कि मैं एब्सेंट था, इसलिए वो बड़ी दया के साथ मोबाइल कनेक्ट करके सब ऑफ करके उसके बाद अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के कारण जो नई परेशानियां हैं वो मैं आपको बता रहा था। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आप में से कई लोग जो स्पीकर है उसका मन, जो वक्ता है उसका मन रखना चाहते हैं, इसलिए मोबाइल कनेक्ट करके, माइक ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके कहीं भी चले जाते हैं। वक्ता को लगता है कि श्रीमान लोटपोट शुरू से लेकर आखिर तक संदेश सुन रहे थे, स्पीकर का मन बड़ा खुश रहता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा हम दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की एक परेशानी और है। हम में से बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल लेकर संदेश सुनने के लिए बैठना भूल गए हैं। मैं ये जो संदेश दे रहा हूं ये कंप्यूटर पर दे रहा हूं, मोबाइल पे नहीं, और मेरे सामने बहुत बड़ा 24 इंच का स्क्रीन है, तो इसके कारण मैं एडमिन हूं, को एडमिन हूं। इस कारण आप में से जिनके भी मोबाइल, जिनके भी वीडियो ऑन है, उनको मैं बड़े आराम से देख सकता हूं। और अक्सर जब मैं एडमिन के रूप में बैठता हूं तो मैं चेक कर लिया करता हूं कि लोग कैसी हालत में बैठे हैं, तो देखकर बड़ा बुरा लगता है कि लोग बिना बाइबल के ही प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए बैठे हैं। कुछ लोग
उसके पास ना तो बाइबल है ना डायरी है, बड़े आराम से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो कुछ लोग तो अधो वस्त्र में ही बैठे हुए हैं ये सोच के कि अरे मोबाइल पे देख रहे हैं और कौन देखने वाला है। तो आज संध्या प्रभु के वचन में प्रवेश करने के पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी थी उसके साथ साथ प्रभु ने और भी बहुत सारी आज्ञाएं दी थी, जिनमें से कुछ आज्ञाओं का मतलब यह है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तब हम चाहे प्रभु को देख सके या ना देख सके, हमें प्रभु की उपस्थिति में आदर के साथ बैठना चाहिए। और इस कारण मेरा अनुरोध है कि टेक्नोलॉजी ने हम लोगों की मानसिकता बिगाड़ दी है, बिना बाइबल के ही प्रभु की उपस्थिति में बैठ लेते हैं, बिना बाइबल के बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। मतलब आपके सामने प्लेट रखी हुई खाने के लिए थाली है, चपाती नहीं है, और आप जो है चबाते जा रहे हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज शाम को मैं बहुत बड़े भार के साथ आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी हमको बिगाड़ ना दे। इस कारण जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं प्रॉपर वस्त्र धारण करके, लेट लाट के प्रभु के वचन को सुनने के बदले आदर के साथ बैठकर और प्रभु का वचन हाथ में लेकर, जिस तरह से चर्च में हम प्रभु का वचन सुनते हैं उसी तरह पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरे ध्यान के साथ प्रभु के वचन को पढ़ें। आज शाम के अध्ययन के लिए निर्गमन के 20वें अध्याय को खोल लीजिए। जब मैं कह रहा हूं खोल लीजिए तो मेरा अनुरोध है कि वास्तव में बाइबल को खोलकर अपने सामने रख लें। मनोवैज्ञानिक लोग ये बताते हैं कि जब इस तरह से हम बाइबल खोलकर सामने रखते हैं तो उसका असर हमारे आत्मिक जीवन पर डेफिनेटली होता है। आने वाले दिनों में यदि प्रभु ने मदद की तो हम निर्गमन 20 का अध्ययन जारी रखेंगे। जब तक 10 आज्ञाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक हम निर्गमन 20 का अध्ययन जारी रखेंगे। इसलिए प्रभु ने मदद की तो आने वाले हफ्तों में अध्ययन से पहले ही पूर्ण तैयारी के साथ निर्गमन के 20वें अध्याय को खोलकर सामने रख लें, ये भी मेरा अनुरोध है। तो इतनी बातें हो गई इंट्रोडक्शन के रूप में। क्यों मैंने इंट्रोडक्शन में इतना समय दिया, उसके पीछे भी एक कारण है। यहाँ जितने वक्ता लोग आते हैं और इसके ग्वालियर के जितने कार्यकर्ता हैं उनमें मैं सबसे वरिष्ठ या सीनियर व्यक्ति हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मुझ पर आती है। और भाई ब्रिजेश जरूर बार बार याद दिलाते हैं कि ये उनकी मात्र मंडली है जो इस कार्यक्रम को चला रही है। तुम गलत नहीं बोल रहे ब्रिजेश, मैं ये याद दिला दूं मेरी भी मात्र मंडली है, तो इस कारण इसके जो कार्यकर्ता हैं मैं भी उनमें से एक हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि मैं उन सब में वरिष्ठ व्यक्ति हूं तो इसलिए ऐसी बातें भी याद दिलाता जाऊं। और ब्रिजेश तुम तो बार बार याद दिलाते रहना कि ये तुम्हारी मात्र मंडली है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब एक ही मात्र मंडली थी वहां पर, अब अनेक हो गए हैं, खासकर भाई रणजीत के आने के बाद, ये प्रभु का अनुग्रह है। आइए आज शाम के अध्ययन के लिए निर्गमन के 20वें अध्याय के पहले पद से स्टार्ट करें। अपन पहले पद वगैरह इसके पहले कवर कर चुके हैं लेकिन निरंतरता कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए अपन पहले पद से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। इधर भाई गब्बर सिंह इन पदों को पोस्ट करते जा रहे हैं। आज जो लोग बाइबल हाथ में लेकर बैठना भूल गए थे वे लोग कमेंट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते से आप इन पदों को ना पोस्ट करें। हम सब बाइबल लेके बैठेंगे, मैं भी साथ में बाइबल लेके बैठा हूँ, ये सिर्फ एक क्या
सिर्फ एक थियोरी नहीं है, लेकिन मैं जब संदेश दे रहा हूं तो अपने आंखों की परेशानी के कारण ये पद बड़े अक्षर में अपने सामने कंप्यूटर पर देख रहा हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। इसमें ये जो आखिर में मैंने पढ़ा ये पांचवा पद है, पांचवे पद के शुरू के हिस्से को भी अपन ने पिछले हफ्ते देखा था। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, यहां तक हम लोग आए थे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हम किसी भी तरह की प्रतिमा ना बनाए। ये आज्ञा जब दी गई थी तब आजकल जिस तरह से चित्र बनाए जाते हैं ऐसे चित्र आसानी से नहीं बनाए जाते थे। चित्रकला का विकास उसके काफी सालों के बाद हुआ है। प्रभु ने जब ये आज्ञा दी थी उस समय मूर्तिकला बहुत विकसित थी और लोग मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते थे। उसका सर्वोत्तम उदाहरण है निर्गमन की पुस्तक में प्रभु के लोगों ने बछड़ा बनाकर उसकी आराधना स्टार्ट कर दी थी। प्रभु बहुत कोपित हुए। यहां पर दो तीन बातें मैं आपको याद दिला दूं। पिछले हफ्ते भी ये बात मैंने बताई थी, प्रभु का वचन मूर्ति पूजा का निषेध करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मसीही अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनके साथ झगड़ा टंटा शुरू करे कि तुम क्यों मूर्ति पूजा करते हो। याद रखें प्रभु के वचन में मूर्ति पूजा का जो निषेध किया गया है, जिसको निषिद्ध बताया गया है, ये मसीही विश्वासियों के लिए है। पुराने नियम में यहूदियों के लिए था, नए नियम में मसीही विश्वासियों के लिए है। इस कारण जो लोग गैर मसीही हैं उनसे जाकर इन बातों में अनावश्यक वाद विवाद करना या अनावश्यक झगड़ा टंटा करना ये बिल्कुल गलत है। प्रभु का वचन ना तो अपने बच्चों को ऐसा करने की आज्ञा देता है ना ही अनुमति देता है। यहां तक हमने पिछले हफ्ते देखा था। एक चीज और मैंने आपको याद दिलाई थी, हम में से कई लोग अपने घरों में प्रभु यीशु का चित्र टांगते हैं, उस पर फूल माला टांगते हैं, कई लोग चित्र के सामने बाइबल रख देते हैं, उस पर फूल डाल देते हैं। ये हमको हमारे आसपास हम जो देखते हैं उससे कई लोगों को मिली हुई आदत है। प्रभु का वचन इस बात को पूर्ण रूप से निषेध करता है, ये निषिद्ध बात है। जैसा मैंने याद दिलाया था, बच्चों को संडे स्कूल की किताब में कई बार प्रभु यीशु का चित्र दिखाया जाता है, बच्चों की समझ कम होती है इसके कारण, लेकिन घर में इस तरह से चित्र टांगना, उस पर माला टांगना, उसके सामने बाइबल रखकर उस पर फूल डालना, ये सब मूर्ति पूजा का ही एक अलग रूप है। प्रभु के बच्चों को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं पांचवें पद के दूसरे पोर्शन में, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। सवाल यह है कि जहां मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा है उसी पद में परमेश्वर से बैर करने के बारे में क्यों कहा गया? क्या इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा संबंध है, इसीलिए प्रभु का वचन इन दोनों को लगभग एक ही वाक्य में रखता है। लगभग नहीं है, देखिए, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि, तो इसका मतलब यह हो गया कि
ये जो प्रभु जलन रखने वाले ईश्वर हैं, बैर करने वाले लोगों के बारे में बोल रहे हैं, इसका सीधे 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 मूर्ति पूजा से संबंध है। क्या संबंध है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। मान के चलिए कि आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, शाम को खाने का समय आ गया, खाना परोसने का समय आ गया, खाना परोसते समय पिताजी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और खाना पिताजी के सामने परोसने के बदले बगल में पिताजी की जो फोटो रखी है, जिस एल्बम में आप खाना ले जाके उस एल्बम पर रख देते हैं, ये कैसा व्यवहार होगा? 90 साल के मेरे पिताजी हमारे साथ रहते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात हम एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन हाँ, फैमिली एल्बम भी मेरे पास है। आज शाम को या आज रात को यदि खाने के समय मैं अपनी पत्नी को यदि एडवाइस करूं कि देवी वो शाम को खाना ले जाके फैमिली एल्बम पर रख लेना, पापा खाना चाहें तो खा लें, तो ये अपने फादर के साथ कैसा व्यवहार होगा? फादर उधर भूखे टेबल पर बैठे हैं और मैं उनके चित्र के ऊपर खाना रख रहा हूं। लोग ऐसा करते हैं क्या? सब पहला हाँ अब पहला सवाल ये, ऐसा लोग करते हैं क्या? जी हाँ, करते हैं। कई परिवारों में देखा जाता है कि माँ बाप को जिस तरह से आदर देना चाहिए, वो आदर देने के बदले माँ बाप का अपमान होता है। सारे हिंदुस्तान में इस तरह के लाखों माँ बाप हैं जो अपने ही घर में अपमान पा रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार ने अब तो नियम बना दिया है, यदि किसी बेटे ने अपने माँ या बाप का अपमान किया तो गिरफ्तार भी हो सकता है। इस तरह के नियम अब आ गए हैं और पुलिस दौड़ 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 के धर पकड़ कर रही है। मैं लोकल न्यूज पढ़ता हूँ, उसमें इस तरह की खबरें काफी आ रही हैं। दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ हर दिन, उसमें भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। सरकार इस बात को पहचानती है कि यदि आपके माँ बाप आपके साथ हैं और यदि आप उनका अपमान कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप माँ बाप से बैर करते हैं, माँ बाप से जो स्नेह करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे। इस घटना के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस विश्व के सृष्टिकर्ता, इस पूरे विश्व के सृष्टिकर्ता, जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को मेरे आपके लिए इस संसार में भेजा, और वह प्रभु जो हर जगह मौजूद है, जहां हम बैठ रहे हैं वहां भी मौजूद है, और वो प्रभु जो साष्टांग हमारे दिलों में विराजते हैं, उस दिलों में विराजने वाले प्रभु की आराधना करने के बदले यदि हम कोई चित्र या कोई रूप या मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं, तो ये वैसी ही बात है जब हम अपने माँ बाप को बैठा कर खाना देने के बदले उनका खाना फैमिली एल्बम के ऊपर रख देते हैं। बल्कि मनुष्य मनुष्य के साथ जो करता है उसकी तुलना में यदि ईश्वर के साथ हम ऐसा करें तो उसकी भयानकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भयानकता इसलिए बढ़ जाती है, माँ बाप ने जरूर हमको जन्म दिया है, पाला पोसा है, लेकिन इस विश्व के रचयिता ने मेरे आपके लिए जो किया है वो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। जगत के सृष्टिकर्ता ने अपने स्वयं के पुत्र को सूली पर मेरे आपके लिए जान देने के लिए दिया, और वो सृष्टिकर्ता जब हमारे हृदयों में वास करते हैं तब वास करने वाले उस सृष्टिकर्ता की आराधना करने के बदले यदि हम किसी चित्र या रूप या मूर्ति की आराधना करते हैं तो प्रभु का वचन ये कहता है, तुम
सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहे, माँ बाप का तो अपमान होता है, लेकिन जहां तक मेरी बात है मुझसे बैर करते हो। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि किसी भी तरह से हम परमेश्वर की आराधना सीधे सीधे करने के बदले किसी अन्य रूप की आराधना में फंस जाते हैं या उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि तुम मुझसे बैर करते हो, और जो मुझसे बैर करते हैं उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जल जलाहट रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन ट्रांसलेशन उतना आसान एक अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, उसका करेक्ट अनुवाद होगा जल जलाहट, मतलब जो मेरे आपके गलत व्यवहार को देखकर अग्नि से भर जाता है। प्रभु के वचन में एक अच्छा उदाहरण है, जब एक व्यक्ति एक घटना को सुनकर जल जलाहट के कारण उठकर खड़ा हो गया। एस्तर की पुस्तक में एस्तर ने जब राजाधिराज से अनुरोध किया, राजाधिराज मेरी जनता मेरे घर वालों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति तैयार है, राजमाता के मुंह से जब ये वाणी फूटी तो राजा ने पूछा कि अच्छा कैसी बात करती हो राजमाता, तुम्हारे घर वालों को कोई नष्ट करने के लिए तैयार है, कौन है वो? और जब उसने इशारा किया, राजाधिराज आपके बगल में ये जो हामान बैठा है ये है वो व्यक्ति, तो राजा क्रोध से फट गया। वहां प्रभु के वचन में लिखा है रोष में आकर राजा खड़ा हो गया, और जैसे ही राजा खड़ा हुआ हामान की हालत पतली हो गई, वो गिर पड़ा। जब प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं या जल जलाहट रखने वाला परमेश्वर हूं, तो वह इस बात को याद दिलाता है कि जब हम सच्चे परमेश्वर को जानने के बावजूद अनुभव करने के बावजूद अपने दिलों में वास करने मेरे आपके दिलों में वास करने के बावजूद यदि हम किसी अन्य रूप की आराधना करते हैं, तो यह प्रभु से बैर को ही दिखाता है, और यदि हम प्रभु से बैर करेंगे तो प्रभु जल जलाहट रखने वाले परमेश्वर हैं और उसका रिजल्ट होगा मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु का वचन याद दिलाता है अपने आप को धोखा मत दो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का उपहास नहीं कर सकता है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए यहां लिखा है जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ये पढ़ के एकदम से लगेगा कि हे प्रभु गलती मेरी है, मेरे बेटे पोते और परपोते उनको आप क्यों दंड देंगे। प्रभु के वचन की एक विशेषता है कि कई बार एक कथन या स्टेटमेंट एक जगह दिया जाता है तो कई बार उसकी व्याख्या अन्यत्र प्रभु के वचन में हमको मिलती है। कई बार प्रभु के वचन में जो इस तरह का एक कथन होता है उस कथन को प्रभु के वचन में इतिहास के द्वारा ऐतिहासिक कहानियों के द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है। यहां पर ये जो बात कही है इसके बारे में प्रभु के वचन में कम से कम 6 पुस्तकें हैं जिनमें डिटेल हमको मिलता है। पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा, नहेम्या। इसके अलावा और अधिक विस्तार हमको मिलता है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें तो एक दर्जन के करीब है। तो कुल मिला के प्रभु के वचन के कम से कम 18 पुस्तकों में इस एक सिंगल स्टेटमेंट जो है इसकी डिटेल व्याख्या वचन के द्वारा और इतिहास के द्वारा और भविष्यवाणी के द्वारा हमको मिलती है।
जो मुझसे बैर करते हैं उनके बेटे पोते परपोतों को पितरों का दंड दिया जाता हूं। उसका सारांश मैं आपको बताऊं, ये जो 18 पुस्तक हैं इनके आधार पर इसका सारांश ये है, यदि सच्चे प्रभु को जानने पहचानने और अपने दिलों में ग्रहण करने और अपने दिलों में वास करने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति उस सत्य ईश्वर को, सत्य परमेश्वर को निषेध, परमेश्वर का निषेध करके यदि वो मूर्तियों के पीछे जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। रिजल्ट यह है कि जो व्यक्ति इस तरह से करता है वो अपने परिवार के सामने जो नमूना रखता है, वो नमूना उसकी पत्नी, उसके भाई बहन, उसके बच्चे देखते हैं और वे भी उसी नमूने पर चलने लगते हैं। देखिए, प्रभु का वचन इस बात को बहुत अधिक महत्व देता है कि जिस व्यक्ति को समाज में, चर्च में और परिवार में लोगों को गाइड करने की, दिशा देने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, यदि ये लोग गलत दिशा दिखाएंगे तो लोग गलत दिशा में चलेंगे। आप कहेंगे कि ब्रदर ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों को तो समझना चाहिए कि गलत बात गलत है और उनको सही बातों का अनुकरण करना चाहिए, सही बातों के पीछे चलना चाहिए। हाँ, ये सच है, लोगों को सही बात देखना और सही बातों के पीछे चलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आदर्श है, आइडियल, आइडियलिज्म है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, वास्तविक जीवन में जिस चीज को हम बचपन से देखते आते हैं, जो हमारे प्रतिदिन के अनुभव में आता है, वो हमारे जीवन में भी आ जाता है। इसके एक दो उदाहरण बताऊं। चंबल इलाके में हमारे भाई ब्रिजेश जिस जगह के बारे में बता रहे थे, मैंने जीवन के 40 साल वहां बिताए हैं। वहां जब हम रहते थे तो आजकल भाई रंजीत जहां हैं, उस काफी साल उस हॉल में रहे, कुछ साल उस हॉल के पीछे एक मकान में रहे। मकान से लगी हुई शहर की गंदी बस्ती थी, वहां रोज सुबह से लेकर आधी रात तक शराब पीना लगा रहता था। लेकिन उसके साथ साथ एक और आदत थी लोगों की, एक बार आदमी के सर पे नशा चढ़ जाता है तो उसके बाद तो फिर वो गंदी से गंदी गाली देने से हिचकिचाता नहीं है, बल्कि जिस आदमी का सर नशे के नियंत्रण में है वो जब तक एक सेकंड में चार गंदी गाली ना दे तब तक उसको तृप्ति नहीं होती है। इसका परिणाम क्या हुआ, उस बस्ती में हम लोग देखते थे सुबह से शाम तक बच्चे भी वही भाषा बोलते थे, माँ की गाली, बहन की गाली। मजे की बात यह है कि 5 साल का बच्चा जो ये गाली दे रहा है उसमें इतना मानसिक या शारीरिक विकास अभी नहीं हुआ है कि वो ये समझ सके कि इस गाली का मतलब क्या है, इसके बाद भी गाली दे रहा है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बाहर कहीं सेवा कार्य करके शाम को वापस आया तो वाइफ ने कहा कि वो आपका बेटा आज खिड़की पर बैठकर, आपका बेटा मतलब हमारा बेटा, खिड़की पर बैठ के कुछ बाहर से सुन रहा था और उसने मुझसे पूछा कि फलाने वाक्य का क्या मतलब है। वाइफ की जो परवरिश है वो केरल में हुई थी, इस कारण हिंदी के काफी सारे शब्द उस समय समझती नहीं थी, प्रभु की दया है कि समझती नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बेटा कुछ पूछ रहा था, इसका क्या मतलब है।
बेटे ने मुझसे पूछा कि डैडी डैडी वो लोग सुबह ऐसा बोल रहे थे, उसका क्या मतलब? अरे मैंने कान बंद कर लिए, मैंने कहा बेटा अपन लोग इस तरह के वाक्य कभी ही नहीं बोलते हैं। तो उसने कहा कि डैड डैडी वो लोग तो सुबह से शाम तक ये वाक्य बोलते हैं, उसमें क्या परेशानी है, क्या बुराई है? मैंने कहा बेटा तुम जब बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे कि उसमें क्या बुराई है, क्या गलती है। अभी सिर्फ तुम इतना मान लो तुम्हारे डैडी कह रहे हैं, ये गलत वाक्य है, ये गलत शब्द है। मैं और तुम प्रभु के बच्चे हैं, मेरे तुम्हारे मुंह से इस तरह के वाक्य नहीं आने चाहिए। एक्चुअली बेसिकली उसने माँ बहन की गाली उसने वहां सुना, वो मेरे सामने रखा, पूछा कि इसका मतलब क्या है। 5 साल का होगा उस समय। क्यों उसने उस वाक्य को रिपीट किया? वो तो उस समाज का हिस्सा नहीं है। देखिए ये मनुष्य स्वभाव है कि बचपन से हम जो सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं, जो देखते हैं उसको रिपीट करते हैं। तो इस कारण जब प्रभु का वचन ये कहता है कि जो प्रभु से विरोध करते हैं, मतलब प्रभु के रूप को किसी प्रतिमा में बदल देते हैं, वो प्रभु से विरोध करते हैं और प्रभु उनके बेटों पोतों और परपोतों को सजा देते हैं, ये इस बात को याद दिलाता है कि यदि सत्य परमेश्वर को जानने के बावजूद परमेश्वर आपके हृदय में वास करते हैं, इसके बावजूद यदि आप परमेश्वर के रूप को आकाश में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे किसी भी प्राणी के रूप में बदल देते हैं और उसकी आराधना करते हैं, तो प्रभु उसकी सजा न केवल आपको देंगे बल्कि वो जो बच्चे देख रहे हैं बच्चे भी वही करेंगे, उनको भी सजा मिलेगी। ये है कहने का मतलब। मैंने कई बार यहां चंबल शब्द का उच्चारण किया, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहां हुई है। चंबल के डाकुओं के बारे में आपने सुना है, कितने क्रूर और हिंसक होते हैं उस इलाके में। जिस तरह से भाई रंजीत अन्य भाइयों के साथ जाकर प्रभु का संदेश सुनाते हैं, मैं जब वहां था तब मेरे पिताश्री की अगुवाई में मंडली के जो पुरुष हैं वो लोग आसपास के गांव में जाते थे। वहां का एक स्पेशल गांव था जहां जाते थे तो उसके पहले सब लोगों को ये कड़ी हिदायत दी जाती थी कि बेचने के लिए तुम्हारे पास जो गॉस्पल पैकेट है और जो बाइबल है वहां आकर एकदम से 10-12 लोग तुमसे मांग लेंगे, मत देना। बाकी गांव में जब हम जाते हैं तो गॉस्पल पैकेट्स जो बेचते थे, यदि 10 लोग आके कहते भैया जरा दिखाइए, तो 10 को दे देते थे। उनमें से जिसको चाहिए वो ले लेता था, पैसा देता था, बाकी लोग उसे वापस कर देते थे। लेकिन एक पर्टिकुलर गांव में, गांव क्या था, नगर था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक नगर है, काफी अच्छा पॉपुलेशन है, बाजार है, वहां जब जाते थे तो हमेशा ये कड़ी हिदायत दी जाती थी, एक पैकेट देना। और यदि कोई कहे कि जरा दिखाइए तो उससे कहना भाई साहब वो सैंपल उधर है, आप सैंपल पैकेट देखिए, बाकी तो सिर्फ बेचने के लिए सैंपल नहीं है। और यदि कोई बाइबल देखना चाहे एक बाइबल देना, और यदि दूसरे लोग हाथ बढ़ाएं तो उनसे कहना भैया वो सैंपल उधर दे दिया है, आप उसमें से देख लीजिए। जानते हैं कारण क्या है? उस गांव के लोग पेशेवर चोर और उठाई गिरे हैं। छोटा बच्चा भी, वो कोई भी चीज उसके हाथ में आए उसको लेके भागने की कोशिश करता है। और ऐसा कई बार हो चुका है जब हम लोग जाते थे तो जो बड़े नए नए उत्साही भाई लोग हैं उनको कड़ी हिदायत जब दी जाती है तो उनको लगता है कि अरे प्रचारक ये नहीं जानते, मैं बड़ा स्मार्ट हूं और मैं 10 को क्या 20 को दे दूं तो भी कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के जो नए नवेले प्रचारक लोग जब जाते थे
मुंह पर घमंड, मन में घमंड, तो हम लोगों को पता चलता था कि आज वो जरूर गड़बड़ करेगा, और इसलिए हम में से दो तीन लोग हमेशा अपनी नजर उस पर रखते थे। और कई बार ऐसा होता था कि अरे 10 को नहीं, 2 लोगों को उसने दिया, वो एक पे देख रहा है, तब तक दूसरा उस पैकेट को लेके वहां से पार हो गया। कई बार मैं और फादर उन लोगों के पीछे जाके उनका पीछा करके, इधर आओ ये लेके भाग रहे हो बेटा, हमसे खेलना है नहीं, हम भी तुम्हारे इलाके के हैं, ये जो बोलते थे तब वो वापस लाके देता था। क्यों बच्चे ऐसा करते थे, बड़े करें वो बात अलग है। बड़े लोग जानते हैं कि किताब खरीदनी हो काफी पैसा जेब से निकालना पड़ेगा, और इसलिए वो चोरी करते हैं। 5 साल के बच्चे क्यों चोरी करते हैं? जो सबसे छोटा बच्चा है जिसने हमारे हाथ से किताब पार करने की कोशिश की, वो 5 साल का था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, 5 साल का बच्चा, उसको किताब के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसको पैसे के मामले में जिस तरह से बड़े लोग जानते हैं नहीं जानता, इसके बावजूद वो किताब पार करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उस नगर के लोग जिनका धंधा ही चोरी और उठाईगिरी है, वे लोग बचपन से घर में बोलते हैं, चोरी के बारे में बोलते हैं, किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो उठाईगिरी की प्रशंसा करते हैं, पड़ोसी की तारीफ करते हैं तो इसलिए करते हैं कि पड़ोसी कल अनजाने एक आदमी के दुकान से जो है पेंट उठा लाया, दुकानदार को पता ही नहीं चला। चाचा की तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि चाचा बस में यात्रा कर रहे थे, कंडक्टर इधर या उधर देखने लगा तो उसके थैले में हाथ डाल के काफी सारे नोट उठा के जेब में डाल लिए। जब बच्चा पैदाइश से इस तरह की चर्चा सुनेगा, इस तरह की बातों की प्रशंसा सुनेगा, तो वो बच्चा बचपन से वही आदत सीखेगा, वही आदत एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, और इस कारण वो उसी आदत के साथ आगे बढ़ेगा। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा, नहिम्या, उसके बाद यशया, यर्मिया, विलाप गीत, यहेजकेल और मलाकी तक जब हम पढ़ते हैं, तब वहां एक बात स्पष्ट हो जाती है, प्रभु के परिवार में। अन्य लोगों को जाने दीजिए, यहां हमारा विषय यह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, प्रभु के वचन का विषय भी यह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, ये प्रभु के बच्चों के लिए लिखा गया है। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु के परिवार में जिसने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, जो इस बात को जानता है कि प्रभु चारों ओर जहां भी वो है वहां प्रभु उसके साथ उपस्थित है, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी है, और जो इस बात को जानता है कि प्रभु साक्षात प्रभु उसके दिल में वास करते हैं, इसके बावजूद यदि वो रूप आराधना, किसी भी रूप की आराधना में फंस जाता है, तो उसकी पत्नी, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, ये सब लोग भी उसी प्रकार प्रभु का त्याग करके रूप आराधना में फंस जाते हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि एक पीढ़ी यदि अपने जीवन में लंघन करती है तो अगली पीढ़ी अपने बाप दादों से ज्यादा लंघन करती है। यदि आपको लगता है कि आज शाम को तो भाई जॉनसन बड़ी लंबी हांक रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है प्रेरितों के कामों में की जो पुस्तक है उसमें बरोए के विश्वासियों के बारे में एक स्टेटमेंट है। वहां लिखा है कि बरोए के विश्वासी लोग अन्य विश्वासियों से ज्यादा श्रेष्ठ थे, क्योंकि
वे लोग जो सुनते थे प्रतिदिन प्रभु के वचन से जांच कर देखते थे कि ये बातें ऐसी ही हैं क्या। और इस कारण यदि आपको लगता हो कि मैं कुछ आज शाम को ज्यादा ही लंबी हांक रहा हूं, तो बरोए के विश्वासियों के समान जरा पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास से लेकर बीच में भजन वगैरह को छोड़ दीजिए, अय्यूब भजन नीति वचन को छोड़ के फिर भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में पहुंचकर यशाया से लेकर मलाकी तक जरा पढ़कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि मैं तो बहुत कम बोल रहा था, मैंने तो अभी पूरी बात बताई ही नहीं है, बल्कि आपको इतना सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि राजाओं की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक एज़रा और नहेमिया के बाद सिर्फ एक भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ें, यशाया, तो आपके कान झनझना जाएंगे। यशाया इसलिए पढ़ना है क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में जो कुछ हम देखते हैं उसकी व्याख्या भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में होती है। तो इसलिए यदि इतिहास की पुस्तकों को सही रीति से समझना है तो भविष्य वक्ताओं की पुस्तक पर आना पड़ेगा। और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में भविष्य वक्ता लोग जिन विषयों के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में, उनके बारे में जानना है तो इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। प्रभु के वचन में हम बार बार देखते हैं कि जो लोग प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु का अनुभव अपने जीवन में कर लिया है, इस अनुभव के बाद यदि वे सच्चे प्रभु को त्याग कर उनके दिलों में जो साक्षात प्रभु वास कर रहे हैं उस प्रभु को भूल कर सत्य प्रभु के आराधना के बदले यदि रूप आराधना में फंस जाते हैं, तो बाप जो करता है उससे एक स्टेप ज्यादा बेटा करता है, उससे 10 स्टेप ज्यादा पोता करता है, और उससे भी 10 गुना ज्यादा परपोता करता है। तो इसलिए जब प्रभु का वचन ये कहता है कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, तो उसका मतलब यह है यदि हम सत्य मार्ग को छोड़कर यदि हम गलत मार्ग पर चले जाएं, तो उस गलत कार्य के द्वारा हम अपने बच्चों के सामने एक नमूना रख रहे हैं, और बच्चे जो पूरी तरह से अज्ञान है, जो भलाई बुराई का मतलब नहीं समझते, वे इन चीजों को हमसे लेकर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस बात को याद रखें मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे बच्चों का मन स्पंज के समान है या फोम के समान है, जिसको आप पानी में डाल दीजिए तो उनका वजन जितना है उससे 10 गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं। 10 ग्राम का स्पंज या फोम कम से कम 100 ग्राम पानी सोख सकता है। हमारे ये बच्चे, अज्ञान बच्चे, निष्कलंक बच्चे, जब मेरे आपके जीवन में लंघन देखते हैं तो उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि लंघन क्या है और विशुद्धि क्या है। बस पिताश्री को करते देखा, उसको वैसा का वैसा पूरी तरह से सोख लिया। सोखने के बाद स्पंज गीला ही रहता है, और इस कारण बच्चा जब गलत बातों को सोख लेता है तो उसके बाद वो वैसा ही हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप अपने बच्चों के सामने सही सही नमूना रखें, वाणी, कर्म, इवन सोच। यहां एक मिनट रुककर एक विशेष बात फिर से याद दिलाना जरूरी है। हम में से बहुत सारे मसीही लोगों के परिवारों में टेलीविजन पर किसी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं है।
जैसा मैंने इसके पहले आपको कई बार याद दिलाया है, मैं टेलीविजन के विरुद्ध नहीं हूं। आपस में इस तरह के संचार माध्यमों का होना जरूरी है जिससे कि खबर मिलती रहे, और अब तो इस तरह के माध्यम बहुत हो गए हैं, जानकारी के आदान प्रदान के लिए बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। इन माध्यमों की काफी जरूरत भी है, ये जानना कि सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, हमको क्या सावधानी लेनी है, इसके लिए हमें माध्यमों पर निर्भर करना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पिछले हफ्ते याद दिलाया था, पैसा देके कठखने कुत्ते को घर लाके बांधने में कोई अकलमंदी नहीं है, मैं इसका गवाह हूं। हम लोगों के घर में इस तरह का एक कुत्ता एक बार आ गया था, वो जिसको भी देखे उसको काटे। एक बार जब उसने मेरी माँ को काटा तो माँ के दोनों हाथों में टांके लगाने पड़े थे। मंडली में एक वहां सेवा कार्य के लिए एक भाई आए थे, अनजाने में उन्होंने कुछ किया तो कुत्ते ने उसके दोनों हाथ पूरी तरह से काट के घायल कर दिए। घर का कुत्ता घर वालों को ही काट रहा है। बहुत जल्दी ही हमने उस कुत्ते को जो करना चाहिए वो कर दिया, बहुत एक्सपर्ट को बुला के उसकी छुट्टी कर दी। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम में से कई लोग जिस तरह से टीवी का उपयोग अपने घरों में करते हैं वो कटखने कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक है। कुत्ता काट ले उसका इलाज किया जा सकता है, और खासकर पालतू कुत्ता हो तो पागल नहीं हो गए, इस कारण इलाज बहुत आसान है। यदि कुत्ता पागल हो तो इलाज और कठिन हो जाता है, लेकिन इलाज है, समय रहते हुए किया जाए। लेकिन चाहे पागल कुत्ता काटे या घर का नॉर्मल कुत्ता काटे, इलाज संभव है। लेकिन यदि हम माध्यम आधुनिक माध्यमों के द्वारा हम यदि अपने बच्चों के मनों को कलुषित कर दें, उसका फल शाश्वत विनाश है। इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर हम देखते हैं कि मनुष्य का चुनाव हमेशा बुराई की तरफ होता है। हव्वा ने फल खाया, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हव्वा के साथ धोखा हुआ, लेकिन प्रभु का वचन ये बहुत अच्छी तरह से याद दिलाता है कि आदम के साथ धोखा नहीं हुआ। उसने जब हव्वा को देखा एक नजर में वो समझ गया कि यहां क्या नाटक हुआ है। उस परेशानी का हल ढूंढने के बदले प्रभु से कि हे प्रभु, मैं यहां नहीं था उस समय, हमारी जो माता श्री हैं या जो भी हैं इन्होंने ये बड़ा नाटक कर दिया प्रभु, और आपके अलावा कोई कोई व्यक्ति इसका हल नहीं दे सकता। इस तरह से जो व्यक्ति प्रभु से नियमित रूप से वार्तालाप किया करता था, उस व्यक्ति ने अपनी समस्या को प्रभु के समक्ष रखकर प्रभु से उसके हल के लिए अनुरोध करने के बदले उसने भी वो फल खा लिया। मनुष्य का चुनाव हमेशा गलत कार्यों की तरफ, निकृष्ट कार्यों की तरफ ज्यादा होता है, उत्कृष्ट या सर्वोत्तम कार्यों की तरफ नहीं होता है। इस कारण मैं याद दिलाऊं, हम में से बहुत सारे भाई बहन लोग बहुत ही लापरवाही के द्वारा, बहुत ही लापरवाही के साथ अपने बच्चों के मनों में दुनिया भर का कचरा, और हमारे घर के पीछे जो गंदा नाला है जिसमें दुनिया भर का मैला बहता है,
वो हमारे बच्चों के मन में जाने देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु ने अदन की वाटिका में दो स्पेशल वृक्ष रखे थे, एक नहीं दो रखे थे। इसमें दूसरे वृक्ष का फल यदि वो लोग खा लेते तो सदा जीवित रहते। इस बात को जानते हुए भी उन्होंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। भूख लगती थी, फल खाते थे, जीवन के वृक्ष का फल क्यों नहीं खाया? बार बार सोचने की जरूरत है। जीवन का वृक्ष था, नहीं खाया क्यों? मनुष्य का झुकाव हमेशा सर्वोत्तम के बदले सबसे निकृष्ट नीची चीजों की तरफ रहता है। इसलिए फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कई लोगों ने अपने घरों में एक दैत्य को खुला छोड़ दिया है जो आपके बच्चों को जिंदा फाड़ कर खा रहा है, निगल रहा है। याद रखें, आप सत्य परमेश्वर की आराधना के बदले यदि रूप आराधना में फंस जाते हैं तो आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता था कि यदि बचपन से इस दुनिया भर का मैला, दुनिया भर की विष्ठा, यदि वो आपके बच्चों के मन में कंटिन्यूली प्रवेश कर रहा हो तो आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, तो ये इस बात को याद दिलाता है कि हम कुछ भी करें, मनसा वाच्या कर्मणा कुछ भी करें, यदि वो इस तरह के कर्म हैं जो हमारे बच्चों को सत्य मार्ग से गलत मार्ग पर, विशुद्ध मार्ग से अशुद्ध मार्ग की ओर ले जाता है, तो हमसे ज्यादा दंड हमारे बच्चे पाएंगे। क्योंकि एक एक पीढ़ी जब पलटती चली जाती है तो पाप की गंभीरता बढ़ती चली जाती है। राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तकों में हम ये बार बार देखते हैं कि यदि बाप कुकर्मी था, राजा यदि कुकर्मी था, तो बेटा डबल कुकर्मी निकलता है और पोता 10 गुना ज्यादा कुकर्मी मिलता है। ये प्रभु का वचन है जो इन बातों का प्रमाण हमारे सामने रखता है। तो इसलिए आज संध्या मैं फिर से वो पद आपके सामने पढ़ के उसके बाद कुछ सारांश आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां लिखा है, तो उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जल जलाहट रोष रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस बात को हम गंभीरता से लें। यहां बार बार मैंने अपना सारा फोकस भाइयों पर किया, लेकिन जो बहनें हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय बहनों, आपका रोल तो और भी ज्यादा है, मां का रोल तो और भी ज्यादा है। प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते हम उस विषय पर आएंगे, लेकिन मैं क्लोजिंग में मैंने इसलिए वो ये बात बताई, कहीं कहीं आप ऐसा ना समझे कि अरे हाँ वो ब्रदर जॉनसन फिलिप बोल गए कि फादर का रोल है, इसलिए मैं कुछ भी करूं अपनी वला से, हमारे पति सही करें तो सब सही हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन माँ को जो, पिता को जो जिम्मेदारी देता है वही जिम्मेदारी माँ को भी देता है, बल्कि माँ की जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे आपके जीवन में जाने अनजाने प्रभु की आराधना के बदले सत्य परमेश्वर जो मेरे आपके दिल में बसते हैं उनकी आराधना के बदले निकृष्ट चीजों की आराधना बार बार आ जाती है, जाने अनजाने आ जाती है। आज जरा अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और यदि जाने अनजाने इस तरह की कोई बात हमारे दिल में आ गई है
छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए कि प्रभु गलती हो गई, अपने बच्चे को क्षमा कर दीजिए, और यदि मेरे परिवार में इसका कोई असर हुआ है तो उसको मेरे परिवार से हटा दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। इन बातों को समझने के लिए, बहुत गंभीरता से लेने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, जय मसीह की। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।